और तुम्हारा बहुत कुछ दिख रहा है मुझे, बहुत कुछ दिख रहा है, ठीक है? तो करना पड़ेगा तुम्हें, तो जा। ये सही होते तो अभी ना करते, ये सही नहीं होते ना करने देते ना करते। सारे ही पागल हो रखे तुम्हारे घर में, ठीक कौन है? कोई नहीं है ठीक है। चार दिन अगर कोई ठीक रहता भी है तो पांचवें दिन वही पागल हो जाते, सो जाते। बता झूठ बोलने में सही है, तू खुद भी चल चल रहती है, तेरे पैरों में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, नहीं होता, सर भी भारी रहते हैं तेरे, ठीक है? नींद में से कभी ऐसा लगता है किसी ने एकदम से उठा दिया, होता है? आज चलो तुम कुछ नहीं मानो तो इस माँ भगवती को मानो, ठीक है? इसको मानो, इसको मानोगे अन्न धन के भंडार भरेंगे, और इसने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, ठीक है? नाती पोते सब दे रखा है तुम्हें, नहीं दे रखा? दे रखा है। अभी भी घर में इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया तुम्हारे घर में, झूठ बोल रहे तब, तो इसको मानो, इसको मानोगे सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चे भी खुद इतनी परेशान है, नहीं है? सब परेशान, ये बहुत परेशान है, ये बहुत मानती है मुझे, बहुत मानती है, ये मुझे मानती है, इसके सर में मैं विराजमान हूँ, इसलिए तुम्हारे घर में मैंने शांति है थोड़ी सी, ठीक है? तुम्हारे देवी देवता थोड़ी सी नजर है तुम्हें, वरना ये भी नहीं होती तुम्हारी। एक बार तेरा बेटा मरा मरा बचा, बता गलत बोल दी, बहुत पहले की बात है, नहीं बच हुआ कि नहीं हुआ? सांप भी आया तुम्हारे घर में, आया कि नहीं आया? उस समय भी बाल बाल बचे तुम, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे? सांप तो आया था, आया था ना, सच में आया था। ये भी तुम्हारे घर में इष्ट था तुम्हारा, इष्ट आया था उसके रूप में, तुम पहचान नहीं पाए उसको। पितर भी है तुम्हारे, ठीक है? पितरों का करते हो तुम, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, लास्ट जब होता है उसी दिन देते, कुछ भी नहीं करते, कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम पितरों का तो किया करो, तर्पण दिया करो। तुम किसी को तर्पण नहीं दोगे तो तुम्हें कौन देगा? जब तुम किसी को नहीं दोगे तुम्हें कौन देगा बताओ? तुम्हें कैसे मोक्ष मिलेगा? यही तो हम भी बोलते हैं। एक राजा भागीरथ था जिसने एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करी माँ गंगा की, तब जाके धरती में लाया, क्यों? अपने पितरों को तारने के लिए। तो आप लोग कम से कम एक तर्पण तो दे सकते हैं श्राद्ध के दिन, नहीं तुम्हें पता है तो लास्ट के दिन तर्पण दो। तर्पण तो कभी आज तक जिंदगी में नहीं दिया इस आदमी ने, झूठ बोल ले तब, तो कैसे तुम लोगों के रास्ते खुलेंगे? कैसे तुम्हारे बच्चों को सद्बुद्धि आएगी? और तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ी है, चलो ये पीढ़ी तुम्हारी चली गई, ठीक है, तीन पीढ़ी तुम्हारी चली गई, अब ये चौथी पीढ़ी कम से कम इनको तो सिखाओ, इनका तो रास्ता साफ करो। कहते हैं बड़े बुजुर्ग करके चले जाते हैं, लेकिन भुगतता कौन है? हमारी आने वाली पीढ़ियां, ठीक है? दो से सात पीढ़ियों तक जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? एक की गलती से सात पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, सात पीढ़ी को भुगतना पड़ता है, तो वही है तुम लोगों का। अब सारा सुनो, हमारा आशय तो होता नहीं, आदमी का आशय होता है वो करते नहीं, फिर हमारी क्या गलती है? तबीयत खराब हो रहा है काम, इसीलिए तो तुम्हारे ना किसी को सद्बुद्धि नहीं है, सबको दुर्बुद्धि रहती है, किसी को सद्बुद्धि नहीं है। अब बोलते हमारे को बोलते तुम कुछ करो, अब हमने क्या करना है? औरत क्या करेगी? औरत घर का ही काम करना है, और क्या करना है? और तेरी ये सुनता कब है? अब मैं जब सुनने भी लग गया, पहले तेरी सुनता था? कहाँ सुनते है, सुनता था सब, सुनता ही नहीं था। तुमने कैसे कैसे दिन काटे हैं इसके साथ? नहीं काटे बता? हाँ जी आगे और बच्चे भी तेरे इसी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। पहले आदमी की काटा, अब बच्चों की भी काटना पड़ रहा है, ठीक है? तो बच्चे भी इसी के पद चिन्ह पे चल रहे हैं, ठीक है? तो यही होता है जब माँ बाप का असर बच्चों पे पड़ता है, और वही हो भी रहा है, नहीं हो रहा? बहु तेरी लाखों में एक है, गलत बोला? बहु तेरी लाखों में एक है, लेकिन उसको भी नहीं खिलाना वाला, वो भी बेचारी इतनी मेहनत करती है, इतना सब कुछ करती है, वो
किसके लिए? अपने बच्चों के लिए तो करती है, लेकिन फिर भी ये दुर्बुद्धि इस पे बैठ रखी बच्चे को तुम्हारी। तो तुम पितरों का करो, अपने देवी देवताओं का करो, इस माँ भगवती को मानो, इसकी पूजा अर्चना करो, ठीक है, तभी जाके तुम्हारा रास्ता खुलेगा, वरना रास्ता कैसे खुलेगा? रास्ता तो तुमने बंद कर रखा, बिल्कुल सभी दरवाजे बंद हैं। वो तो तुम ये बात मान लो कि पता नहीं किसके भाग से तुम रोटी खा रहे हो, हकीकत में बोल रही हो। तुमने मानने वाले कोई नहीं है, लेकिन अभी भी समय है, अपने बच्चों के लिए करो, उनको बताओ, जब आप उनको बताओगे वो तभी ही करेंगे। अब जब हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे तो बताएंगे, हमारे तो सुनते नहीं, क्या बताना है। अरे बच्चों को छोड़ो, तुम जो तो जो बात हाथ से निकल गई तो निकल गई, जब पानी हाथ से फिसल जाता तो फिसल जाता है, उसे कोई नहीं समेट सकता। समेट सकते हो? गिराया हुआ पानी तुम नहीं समेट सकते, ठीक है? तो जो पानी गिर गया तो गिर गया, इधर को पीठ मत करो, इधर को ठीक है, ऐसा नहीं, उधर से इधर को तो जो गिर गया वो गिर गया, जो संगति में जिसने जाना था वो चला गया, ठीक है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां है, जो मतलब नाती पोते हैं तुम्हारा, इनका भविष्य सुधारो, मेरा कहने का मतलब ये, उनको क्योंकि कल के दिन में जैसे बाप के पच्चीनों पे बेटे गए, यानी कि तुम्हारे बच्चे गए, वैसे ही नाती पोते भी ना जाए। जो करना है आपने करना है, हमारा आशय तो कुछ होने वाला नहीं है, उनको सुधारने के लिए आपके पास आया। कहाँ है? घर में है पति तुम्हारा? घर में ना, घर में नहीं आया। शांत हो गया था तब से तो कुछ नहीं हुआ, चिंता नहीं, ठीक है, सारे काम तेरी मैंने सुन ली, ठीक है, ठीक है बाबू, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा।